कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री। आई एम योर प्रॉपर्टी एडवाइजर जॉली यादव। एंड गाइस, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ नोएडा एक्सटेंशन में। वैसे नोएडा एक्सटेंशन एक ऐसा रीजन हुआ करता था जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट की प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता था। इनफैक्ट अभी भी जाना जाता है, बट यहाँ पर भी प्राइसेस इतने जल्दी तेजी से बढ़ रहे हैं कि उसका कोई कहना नहीं है। नोएडा में तो प्राइसेस अलग लेवल पे हैं, बट नोएडा एक्सटेंशन भी अब ज़्यादा पीछे नहीं है नोएडा से, ये भी काफ़ी टक्कर दे रहा है। एंड जो लोग जितना डिले होते जा रहे हैं ना, जो लोग जितना सोच विचार कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं ये वो उतना ही लॉस में आते जा रहे हैं, क्योंकि हर 1 से 2 महीने में यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस रिवाइज हो जा रहे हैं एंड काफ़ी हाइक देखने को मिला है। जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने शायद आज से 1 साल पहले किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया होगा, वो आज काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन ले चुके हैं। होम बायर्स भी काफ़ी फ़ायदा उठा चुके हैं, बट जो लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। बट यस, अभी भी अगर आप आज भी आप किसी प्रॉपर्टी में बुक कर लेते हैं तो अभी भी आप बच जाएंगे, क्योंकि अगेन ये प्राइसेस बढ़ना बंद नहीं होगा। हर 2 से 3 महीने में प्रॉपर्टीज़ के प्राइस बढ़ते ही रहेंगे, तो जितने जल्दी आप डिसीजन ले लें उतना आपके लिए बेहतर होगा, ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ नोएडा एक्सटेंशन पर। वेल, जिस प्रॉपर्टी पर आज हम आए हैं उस पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ। इनफैक्ट आप मेरे 1 साल पहले की वीडियो देखेंगे और आज की ये वीडियो देखेंगे, आप प्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ऑलरेडी आ चुका है, प्रॉपर्टी में काफ़ी अप्रिशिएशन ऑलरेडी हो चुका है। आज की ये जो प्रॉपर्टी है ये आरजी लग्जरी होम्स है एंड इसकी लोकेशन रहेगी 1 मूर्ति चौक, जो कि नोएडा एक्सटेंशन की प्राइम लोकेशन है, वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस में आता है। एंड आरजी लग्जरी इज राइट ऑन 1 मूर्ति, 50 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। इसके एडजॉइनिंग में 3 आपको कमर्शियल मॉल्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज साया साउथ एक्स, इसके बिल्कुल साइड में देयर इज फ्यूजन यूफेरिया, एंड फ्यूजन यूफेरिया के बिल्कुल पीछे रहेगा टाउन सेंट्रल। सो 3 मेजर कमर्शियल्स आर बीइंग डेवलप्ड जस्ट एडजॉइनिंग आरजी लग्जरी होम्स। स्कूल्स की भी हम बात कर लें तो देर आर अराउंड 6 to 7 स्कूल्स विद इन 5 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस। इनफैक्ट 3-4 स्कूल तो बिल्कुल 1 किलोमीटर के रेडियस में ही हैं, जिनके नाम आपके लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उसके अलावा हम और जो ऑपरेशनल कमर्शियल्स की बात कर लेते हैं तो गौर सिटी सेंटर आपका रहेगा, जहाँ पर आपको 5 से 6 कमर्शियल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी ऑफ दिस प्लेस इज सुपर्ब, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नोएडा यहाँ से 7 से 8 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा, ग्रेटर नोएडा 20 मिनट्स, दिल्ली आपका 20-25 मिनट्स पर रहेगा, NH24 इज अराउंड 10-12 मिनट्स फ्रॉम हियर, FMG भी आपका सेम डिस्टेंस पर रहेगा। सो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है, बैंग ऑन आपकी 1 मूर्ति की प्रॉपर्टी है, लोकेशन पर आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, लोकेशन वाइज दिस इज सुपर। सो आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे चुकी हूँ, प्लस आप मेरी पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स को, एंड उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, दैट वाज द लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ आरजी लग्जरी होम्स। चलिए, मैं आपको अब सोसाइटी के अंदर लेकर चलती हूँ एंड यहाँ की बाकी चीज़ें भी इस दौरान मैं आपको बताऊँगी। एंड गाइस, मैं आरजी लग्जरी सोसाइटी के अंदर हूँ और अभी मैं आपको सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताने वाली हूँ। वैसे मैं इस प्रोजेक्ट पर आई थिंक 3rd या 4th टाइम आ रही हूँ, एंड जब भी मैं आती हूँ, जब भी दूसरी बार आती हूँ, मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है, काफ़ी सारा काम और हो जाता है जो पिछली बार नहीं हुआ था। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी, जो यहाँ का जो सेकेंड फेज था, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी तब उसका बेसमेंट रेडी हो रहा था और आज के टाइम पे वो 7th फ्लोर तक उसकी बिल्डिंग रेडी हो गई है, वो भी 2 से 3 महीने के टाइम पीरियड में ही। सो काम काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। सोसाइटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, तो ये 18.5 एकड़ की सोसाइटी है। इनफैक्ट जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि पोडियम बेस्ड कॉन्सेप्ट लेकर आया था नोएडा एक्सटेंशन में। तो 18.5 एकड़ के लैंड पैच में यहाँ पर आपके 13 टावर रहेंगे, फेज 1 में आपके 9 टावर है एंड फेज 2 में आपके 4 टावर है। फेज 1 कम्प्लीटली सोल्ड आउट है एंड उसमें आपके 2, 3, 4 BHK की यूनिट्स थे, जो कि अब बची नहीं है क्योंकि बिक चुका है पूरा प्रोजेक्ट। एंड गाइस, काफी सारे रेसिडेंट्स भी यहां पर आ चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। लगभग यहां पर आपकी
40-45 फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं। टावर ए बी सी और एम का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका था तो फैमिलीज मूविंग हो चुकी है। बाकी फेज टू है जिसमें 4 टावर्स हैं, वो आपका 2025 में डिलीवर होगा एंड उसमें आपकी सिर्फ एक ही यूनिट रहेगी, वो रहेगी 3 BHK की, 1175 स्क्वायर फीट का साइज रहेगा। एंड फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया वो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है बट काफी सारा काम हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर मैं अगर अमेनिटीज की भी बात करती हूँ तो आज से ही, अभी से ही इनफैक्ट काफी सारी ग्रीनरी यहाँ पर ऑलरेडी प्लांट हो चुकी है। देखिए काफी खूबसूरती से यहाँ पर ग्रास लगा दी गई है, ये प्लांट्स लगा दिए गए हैं। इनफैक्ट काफी वेल मेंटेन्ड यहाँ पर इंटरनल रोड्स भी हैं, सो ग्रासेस प्लांट्स ये सब रेडी हो चुके हैं। क्लब हाउस में आपका 50% तक का काम हो गया है, बाकी क्लब हाउस में भी काफी तेजी से काम चल रहा है, आप ग्लिम्स में देख सकते हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट में खुद का अंदर एक प्ले स्कूल भी है जो कि 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में भी है एंड प्ले स्कूल इज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन इज फुली डन एंड कुछ टाइम में वो ऑपरेशनल हो जाएगा जैसे ही इसमें सोसाइटी में ज्यादा रेसिडेंट्स मूव इन हो जाएंगे। उसके अलावा ऑफ कोर्स देयर इज अ क्लब हाउस, यहाँ पर आपका 40,000 स्क्वायर फीट के साइज का क्लब हाउस है व्हिच आई टोल्ड यू इज इन अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज एंड उसके अंदर आपके पास सारी amenities रहेंगी, वो भी काफी अच्छे लेवल की। यू विल हैव अ स्विमिंग पूल, यू विल हैव बैंकेट, यू विल हैव कैफेटेरिया, इंडोर गेम्स आपको सारे मिलेंगे, प्लस फिटनेस फ्रीक है अगर आप तो आपके योगा सेंटर्स एंड जिमनेजियम्स भी रहेंगे, स्विमिंग पूल आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके अलावा जैसे भी जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो सब आपकी यहाँ पर रहेंगे। बच्चों के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज रहेंगे, इनफैक्ट 18.5 acres का एरिया है, सिर्फ 13 टावर हैं, तो आप देख सकते हो कि काफी लो डेंस प्रोजेक्ट है। यू नो यूजुअली सोसाइटीज में ये होता है कि 2 acres का प्रोजेक्ट है और 4 टावर लॉन्च कर देते हैं, बट आप देख सकते हो 18.5 acres में सिर्फ 13 टावर ही है। सो पूरी सोसाइटी में यहाँ पर अराउंड आपकी 2400 यूनिट्स रहेंगी, अगेन काफी लो डेंस है कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज इन नोएडा एक्सटेंशन एंड दिस इज अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस सोसाइटी। फैमिलीज मैप मूविंग कर चुकी हैं, देयर इज अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऑल्सो बट कमर्शियल अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है एंड वो फ्रंट साइड में रहेगा। उसमें आपकी अराउंड 97 कमर्शियल शॉप्स रहेंगी जिसमें रेसिडेंट्स की डेली रिक्वायरमेंट के सारे सामान मिलेंगे। कमर्शियल शॉप्स में भी अगर मैं इन्वेंट्रीज की बात करती हूँ तो आज के टाइम में बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज ही बची हैं। सो गाइस इनफैक्ट यहाँ पर कोई कमर्शियल में भी इन्वेस्ट करता है तो उसकी चांदी हो जाएगी क्योंकि काफी ज्यादा रेसिडेंशियल एरियाज हैं यहाँ पर नियर बाय में, जो मेरे बिल्कुल बराबर में सोसाइटी है, दैट इज डिलीवर्ड, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अंदर 2400 फ्लैट्स रहेंगे। सो आरजी लग्जरी होम्स में अगर कोई सोसाइटी शॉप भी परचेज करता है तो उसको भी काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बट यस लिमिटेड इन्वेंट्रीज भी है। उसी तरीके से यहाँ पर जो 3 BHK है वो भी काफी जल्दी काफी तेजी से सोल्ड हो रहा है एंड उसमें भी काफी लिमिटेड इन्वेंट्रीज भी बची हुई हैं एंड प्राइस भी आपके रिवाइज हो चुके हैं। अभी यहाँ पर जो प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। एंड गाइस दिस इज ऑफ कोर्स कम्प्लीटली गेटेड सोसाइटी, यहाँ पर आपके 3 गेट्स रहेंगे एंड उसके साथ साथ तीनों गेट्स में प्रॉपर सिक्योरिटी रहेगी, आपको 3-tier यहाँ पर सिक्योरिटी मिल जाती है, प्लस सारी जगहों पे आपके CCTV कैमराज भी रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी टावर्स हैं, जो 13 टावर्स हैं, सभी की एंट्रीज अलग रहेंगी, आपको यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर सभी में वेटिंग एरिया रहेगा, रिसेप्शन एरिया रहेगा, जहाँ पर प्रॉपर आपके सिटिंग एरियाज रहेंगे, तो सबके सभी टावर्स के सेपरेट आपके लॉबी एरियाज भी रहेंगे एंड काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। जो हमारा सेकेंड फेज है वो माइवान फ्रेमवर्क के साथ बन रहा है जो कि काफी तेजी से कंस्ट्रक्ट हो जाता है एंड लाइफ स्पैन इज वेरी लॉन्ग, आपको काफी मजबूत यहाँ पर घर मिलने वाले हैं। गाइस लास्ट टाइम आई वाज हियर ऑन द सेम स्पॉट एंड तब की आप कंस्ट्रक्शन देखिए और आप आज की कंस्ट्रक्शन देखिए, 7th फ्लोर तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है टावर एल में, सो काफी जोरों शोरों से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। दिस इज पार्ट ऑफ फेज टू जो कि बहुत तेजी से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। 2025 में ये टावर्स आपके बन के रेडी हो जाएंगे पोजेशन के लिए एंड लोग यहाँ पर शिफ्ट करना शुरू हो जाएंगे, माइवान फ्रेमवर्क के साथ बन रहे हैं आपके टावर्स।
So guys, that was all about our today's project, RG Luxury Homes, that was located in Sector 16B. Noida Extension, aapko ye project kaisa laga? Do tell us in the comment box. Guys, to summarize, ye project aapka prime location par aata hai. Low density project hai. काफी अच्छी आपको यहाँ पर amenities मिल जाती हैं, green areas are all developed, आपको यहाँ पर loans भी मिल जाएंगे. साथ ही साथ major plus point is कि यहाँ का phase 1 is already delivered and people here have already started living in. And phase 2 की भी हम बात करते हैं तो वो Maiban framework पे बन रहा है, which is a plus point and 2025 में deliver हो जाएगा. Construction काफी तेजी से चल रही है, आपने थोड़ी देर पहले देखा ही होगा. उसके अलावा यहाँ पर आसपास आपको सारी आपकी जरूरतों की चीजें मिल जाएंगी. आपके पास फूड जॉइंट्स के काफी ऑप्शंस हैं, स्कूल्स आर नियर बाय, कॉलेजेस के लिए यू हैव द कनेक्टिविटी ऑफ ग्रेटर नोएडा. एंड अब मैं आपको रिवील करने वाली हूँ यहाँ का करंट प्राइस. सो अभी फिलहाल यहाँ पर प्राइसेस चल रहे हैं 89.50 lakhs ओनली का. प्रॉपर्टी काफी अप्रिशिएट कर चुकी है एंड काफी ज्यादा अप्रिशिएट अभी और करेगी, बिकॉज सेक्टर 16B इज द प्राइम सेक्टर्स ऑफ नोएडा एक्सटेंशन. एंड एक टाइम के बाद यहाँ पर आपको फ्लैट नहीं मिलेगा, स्पेशली फ्रेश यूनिट आपको मिलना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी. आरजी लग्जरी ही शायद एक प्रोजेक्ट बचा है जहाँ पर आपको फ्रेश यूनिट्स मिल रही है, अदरवाइज सभी प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर रीसेल यूनिट्स ही बची हुई है. एक दो प्रोजेक्ट और होंगे. सो ये एक तरीके से आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है नोएडा एक्सटेंशन के एक प्राइम सेक्टर में घर ओन करने का. एंड काफी ज्यादा प्रॉपर्टी अभी भी अप्रिशिएट करेगी, बहुत जल्दी प्राइसेस अभी दोबारा से यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए जितने जल्दी आप प्लान करते हैं उतना जल्दी आपके लिए बेहतर होगा. सो जल्दी से आइए, प्रॉपर्टी को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी. एंड अगर आप प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. इन फैक्ट अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में कुछ और भी जानना है जो कि मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं. मैं आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी. एंड दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है. एंड मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर.